नजधार में हो नैया तो तीर की याद आती है, हिंसा और असहिष्णुता के इस वातावरण में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। सत्य अहिंसा सदाचार और शाकाहार की जो संदेश हमारे देश में तीर्थंकरों से रामकृष्ण बुद्ध और महावीर से आए, उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करने वाली संस्था आरएसएस ने इसका आयोजन किया। आपल्या सौभाग्य आहे देशचा संरक्षक महान भागवत आपल्या मध्ये आहे। महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, जगाणी दविद्या लिव एंड लेट लिव। और रामचरित में तुलसी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म का एक पद्यानुवाद है। श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति दोनों एक साथ सनातन काल से प्रवाहित है। सौभाग्यशालियों संस्कृत प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाएं, देसी भाषाएं और ब्राह्मी जैसी लिपि वर्तमान की देवनागरी, पुरातत्व तीर्थ और विरासतें हमारी धरोहर है। विश्व एक परिवार है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है हम में और पाश्चात्य में अंतर क्या है, पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, यहां सब कुछ बिकता है और केवल इंसान को खरीदने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहां सबको मिलजुल कर शांति से रहने का अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम लोग इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास, सोनो साथ सोनो विकास। महावीर का एक सूत्र याद होगा परस्परोपग्रह जीवानाम, इसका अनुवाद आज पूरे देश में और दुनिया में गूंज रहा है। निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलने वाले लोग हैं। हमें चंद्रमा पर मंगल पर जाने में सफलता मिलती है तो हम केवल स्वयं श्रेय नहीं लेते हैं, हम लोग हम भारतवासी कहते हैं कि इससे विश्व को और लाभ होगा, इससे दुनिया के लिए और नए रास्ते खुलेंगे। हमारी जो उदार सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हम स्वदेश और स्वदेशी को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें प्यार करते हैं वे कितने भी दूर हों हम उनसे भी प्यार करते हैं। विरासत के साथ विकास, खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में प्राचीन प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का लेख है जिसमें भरद्वाज शब्द का प्रयोग हुआ। महाराज जी से आग्रह करेंगे कि पुरातत्व प्राचीन तीर्थ और संस्कृति संरक्षण की दिशा में थोड़े प्रयास और जरूरी है, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ ही रहे हैं। इस देश का गौरव, इस भारत का गौरव हम सबकी सच्चरित्रता से बढ़ेगा। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है कि महावीर के अहिंसा सत्य अनेकांत वाले रास्ते चले। आग्रही दृष्टिकोण आतंकवादी दृष्टिकोण है और शारवादी दृष्टिकोण अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। हम आग्रही ना बने सहिष्णु बने,
सहिष्णुता से विकास होगा और खोटा आग्रह पालने से परिवार का, समाज का, देश का नुकसान होगा। सर्वोदय तीर्थ है महावीर का तीर्थ। इस महामंगलकारी सर्वोदयम तीर्थ मिदम तवैव की उन्नति और वृद्धि के लिए हम प्रार्थना करें। मोहन जी के नाम में ही मोहन जोदड़ जुड़ा हुआ है, पूरी संस्कृति जिसमें सभ्यताएं समाहित हैं और भागवत में सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम होगा श्रीमद् भागवत में ही ऋषभ देव को अवतार माना है और उनका इतिहास समाया है और उसमें ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत कहा है। तो वो खुद अपने आप में एक इतिहास है, एक विज्ञान है, एक भूगोल है, एक देश है और एक देश के संरक्षक है। ऋषभ देव पुत्र भरत के नाम से भारत, और भारत का मतलब हमेशा स्वभारत, और इस शोभा को बढ़ाने वाले श्री राम के भाई भरत, जिनने राज्य पाकर के भी राज नहीं पाया, और इसकी शोभा को और दुगुणित करने वाले दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। गुलामी की शब्दों की श्रृंखला से एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया, इसलिए हम अब राइजिंग इंडिया नहीं कहते हैं, हम कहते हैं भारत हमेशा शोभारत, जिसकी शोभा हमेशा द्विगुणित हो रही है और विश्व पटल पर जो चमक रहा है वह भारत है। संघ ने पूरे देश को जोड़ा है, संघ ने पूरे देश को जोड़ा है और मुनि संघ ने इंसान को परमात्मा से जोड़ा है। सौभाग्यशालियों, महावीर भगवानों के उपदेशों को, श्री राम की मर्यादाओं को पालन करके हम पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को हासिल कर सकते हैं। श्रीमान सबको पता है, निकल गए थे हम तो पीछे कमंडल लेके। कभी कभी मोदी नाराज हो जाते हैं तो बोलते ना, मैं अपना कमंडल लेके निकल जाऊंगा। मैं दिल्ली से कमंडल पीछे लेके निकल गया था, लेकिन अनिल जी उनकी टीम जबरदस्त आग्रह रहा, महाराज जी पधारिए, प्रज्ञा जी का संदेश आया पधारिए, तो यहां आने का योग बना है। कहेंगे कि मोहन जी और संघ ने बहुत कमाल कर दिखाया है, महावीर के चारों बेटों को एक साथ बिठाया है। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान का 2900वां जन्म कल्याणक महोत्सव चल रहा है, चारों अलग अलग फिर रहे थे। हम तो कहेंगे सबको एक साथ बिठाने का श्रेय भगवत जी ने लिया है, अब यह कल्याणक महोत्सव ऊंचाइयां हासिल करेगा। समझ लीजिए महाराज जी, आज उद्घोष हो रहा है महावीर भगवान के यह महामंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव का, और आने वाली दिवाली पर महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव तो देश में, दुनिया में धूमधाम से मनाएगा। हमारे देश में कोई कमियां नहीं है, युवा धन का पलायन बुरी बात है, विदेशी के प्रति इतना आकर्षण बुरी बात है, पाश्चात्य का अनुकरण बुरी बात है। हमने दुनिया को दिया है, हमें दुनिया से लेने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्यशालियों, हम उस लोगों में से हैं कि जो हाथ फैलाने में आज भी शर्म महसूस करते हैं। दुनिया में भिखारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं मिलेगा जो जैन होगा। लोग कहते हैं जैन अमीर हैं, एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे जैन अमीर नहीं है। भागवत जी को ध्यान होगा कि देश में लगभग 2 करोड़ जैन है, उसमें
20% आप अमीर मान लीजिए, 50% मध्यम वर्गीय मानिए, 20% गरीब और 10% गरीबी रेखा के नीचे। तमिलनाडु और बंगाल में आज भी, महाराष्ट्र में आज भी जैन लोग खेती करते हैं। हमारे दादा बाबा गुरु वो भी किसान थे, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर जी, विद्यानंद जी वगैरह। तो आज हमें चाहिए वर्धमान परिवार, सराक संस्था, महासभा, महासमिति कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपने पिछड़े हुए जैन भाइयों को, आम लोगों को सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, यही मंगल भावना। विश्व मंगल की कामना के साथ पुरातन तीर्थ संस्कृति संरक्षण की भावना के साथ विराम करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बहुत आभार है आचार्य जी का, आपने ठीक कहा, इंडिया जीत गया है, इंडिया हार गया है और भारत जीत गया है, तो भारत की जीत बनी रहे ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। मैं प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी से प्रार्थना करता हूं हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जैन लोग एक बात का ध्यान रखें, इंडियन है, इंडियन हेरिटेज नाम से सरकार की एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे तीर्थों को लिया गया है, जैन लोग भी उस पर डाउनलोड करें अपने तीर्थ, अपने पुरातन को, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो। और आप खुद भले सर अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ न लें, लेकिन जो आपसे निचले वर्ग के लोग हैं, श्रावक हैं, उन्हें उन योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करें।